हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अजीबोगरीब कानून के बारे में बताएंगे। पहला, पुनर्जन्म लेने के लिए परमिशन। दोस्तों, आपने पुनर्जन्म के बारे में तो सुना होगा और आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी हादसे में मर जाता है और वही व्यक्ति फिर से इस दुनिया में जन्म ले तो उसे पुनर्जन्म कहते हैं। लेकिन चीन में एक ऐसा कानून है जहाँ लोगों को पुनर्जन्म लेने के लिए चाइना की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। दूसरा, पत्नी का जन्मदिन भूलने पर सजा। दोस्तों, अगर हमारे भारत में कोई पति अगर अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाए तो कोई बात नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा पत्नी नाराज होगी। लेकिन सामोआ एक ऐसा देश है जहां अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाए तो उसको जेल हो सकता है। तीसरा, नाक साफ करने पर सजा। दोस्तों, हमारे भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी नाक साफ कर सकता है, लेकिन इजराइल एक ऐसा देश है जहां रविवार को अगर आप पब्लिक प्लेस में नाक साफ करते हैं तो आपको जेल हो सकता है। चौथा, मरने से पहले अपनी कब्र खरीदना। दोस्तों, आमतौर पर हमारे भारत में कोई व्यक्ति मर जाए तो उसे कहीं भी दफना सकते हैं, लेकिन फ्रांस में सार्पोरेंस नाम की एक जगह है जहां के लोगों को मरने से पहले अपनी खुद की कब्र खरीदनी पड़ती है, वरना उसे दफना नहीं सकते। पांचवा, छत से कूदने पर मौत की सजा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में अगर कोई व्यक्ति छत से कूदता है और वह इंसान बच जाता है तो उसे मौत की सजा का प्रावधान है।